तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो गाइस बहुत सारे बंदों के भाई कमेंट आ रहे थे भाई 15 से 20 हज़ार के अंदर एक अच्छा सा फ़ोन बताओ। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, पहले भाई मेरी स्टोरी सुनो। जब गाइस मैं 1 GB रैम में खेला करता था तो गाइस उस टाइम पे भाई यूट्यूबर्स भाई रेडमी K20 Pro में खेलते थे। तुम्हें भी पता भाई यूट्यूबर्स के गेम प्ले देखे होंगे तुम्हें। और भाई एक और फ़ोन चलता था उस टाइम जो कि भाई Redmi Note 8 Pro, उसमें भी भाई बहुत सारे यूट्यूबर गेम प्ले भी दिखाते थे एंड भाई उसमें आपको ग्राफिक्स बहुत सारे आपने कुछ देखे होंगे। तो भाई मैंने सोचा था भाई मैं लूँगा भाई Redmi K20 Pro। तो गाइस उसमें बहुत ज़्यादा MSI हुआ करता था उस टाइम पे और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से पूछा था मैं ये ले लूँ, तो भाई बहुत सारे यूट्यूबर ने मना किया था क्योंकि उसमें MSI ज़्यादा बंदों के मतलब जो पास में आ जाते हैं तो भाई MSI हम अच्छे से लगा नहीं पाते। तो मैंने भाई Redmi Note 8 Pro की सोची। उस टाइम पर भाई मैं इनसेन लोइन के भाई गेम प्ले देखा करता था, वो भाई Redmi Note 8 Pro यूज करता था, तो भाई मैंने भी ले लिया। तो भाई उस टाइम पर Redmi Note 8 Pro बहुत अच्छा चलता था भाई, मैं Redmi Note 8 Pro लेने गया था लेकिन गाइस नहीं मिला, तो भाई Redmi Note 9 Pro लेके आना पड़ा मुझे। और आपने गाइस भाई मेरे Redmi Note 9 Pro का गेम प्ले तो देखा होगा भाई कितना MSI लगता है, मतलब भाई दूर दूर तक आप स्प्रे मार सकते हो भाई, Red Dot 6X सब कुछ चला सकते हो। और गाइस अभी के टाइम में पहले भाई Redmi के चलते थे फोन और बाद में आए भाई Poco, जिसमें भाई MSI तो मतलब भाई डबल है भाई Redmi का। और ये Redmi और Poco एक ही कंपनी के होते हैं वैसे तो फोन, बट गाइस इनका मजा ही अलग होता है। और गाइस Poco में बहुत ज्यादा MSI होता है Poco X3 में, और भाई अभी तो भाई Poco X4 चल गया जो भाई मेरे फ्रेंड ने लिया भी और मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके भी दिखाया एंड भाई मैंने आपको चला के भी दिखाया उसमें गेम भाई कैसा चलता, मतलब भाई MSI तो भर भर के दिया हुआ भाई Poco में, ठीक है समझिए। और गाइस आपको भाई मैंने Redmi Note 11T 5G के बारे में भी बताया था जो भाई अभी नया चला था, उसमें भी गेम बहुत अच्छा चलता है बट गाइस 6 GB 8 GB कोई सा भी लो भाई GFX टूल यूज करना पड़ता है अपने गेम में, पता नहीं क्यों ग्राफिक आते नहीं HD XDM आगे से। और जब गाइस भाई मैं MSI वाले फोनों में खेला करता था तो गाइस ऐसा लगता था जैसे भाई 4 बंदे पास में आ जाते थे तो वो भारी पड़ जाता भाई MSI में कौन से बंदे पे लगाऊं, तो यही होता भाई MSI वाले फोन में, मतलब भाई MSI थोड़ा संभालना पड़ता। और गाइस तब भाई मैंने सोचा कि भाई मैं OnePlus या ROG में लेता तो उसके बाद Redmi के बाद मैंने भाई ROG लिया था। और भाई मैंने जोनाथन को भी देखा था, वो भाई ROG 5 में खेला था, उसमें गाइस आपको चार्जिंग के 2 पोर्ट मिलते हैं जो कि गाइस एक नीचे की तरफ होता है एक भाई ऊपर की तरफ होता, तो भाई मेरे को भाई नीचे वाला बहुत अच्छा लगा था जिसमें गाइस हम लगा के भाई अच्छे से भाई 2 फिंगर खेल सकते हैं। और भाई भाई मैं OnePlus भी ले लेता लेकिन गाइस उसमें एक ही पोर्ट आता जो कि गाइस मैं उधर की तरफ लगा के खेल नहीं सकता, तो इसीलिए भाई ROG में 2 पोर्ट आते हैं, तो भाई मैं इसीलिए भाई ROG लिया और उसी में अभी के टाइम में भाई मैं खेल रहा हूँ। भाई Redmi तो मैं सिर्फ वो एडिटिंग के काम में लेता और भाई ROG में मैं खेलता हूँ, तो इसमें MSI भाई जो फ़ोन होते हैं ना Poco Redmi तो उनके हिसाब से तो भाई 25% है भाई इस वाले फ़ोन में MSI। अब गाइस आप समझ गए होंगे ना भाई गेमिंग में बेस्ट फ़ोन कौन सा है, तो मतलब Redmi, Poco, Realme एंड भाई IQ भी आ गया अभी तो गेमिंग में। तो गाइस आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस अभी भाई गेमिंग में बेस्ट फ़ोन अभी Poco X4 ही चल रहा है, तो इसमें भाई MSI बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कुछ लगाने की आपकी ज़रूरत ही नहीं है, बस ऐसे ही कह लो। और भाई आपको ये 15 से 20 हज़ार के अंदर भी मिल जाएंगे। अब गाइस मैंने तो आपको बता दिया भाई गेमिंग में अच्छे अच्छे फ़ोन, तो गाइस आपकी जो मर्जी हो ले सकते हो। आप कौन सा आपका भाई ड्रीम फ़ोन है तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब गाइस आप भाई गेम प्ले इन्जॉय करो भाई लास्ट तक ज़रूर देख के जाना। तो गाइस यहाँ पे बंदे उतरे होते हैं। अरे सिंगल पे हो गया यहाँ। अरे बंदे मेरे पास जरूर है। और यहाँ पर इसको भी भाई जल्दी से नॉक करके मैं फिनिश करता हूँ। पीछे की तरफ भाई इसके एक टीममेट को नॉक किया था जो कि गाइस पता नहीं कहाँ पे। और भाई सामने एक तरफ भाई मेरे को एक बंदा दिख जाता है जो भाई रिवाइव करने लगा था। अब यहाँ पर भाई मुझे पता नहीं भाई कौन सी टीम के बंदे हैं, तो भाई मुझे तो मारने, तो भाई यहाँ पर आ जाता मैं इस वाले घर में एक बंदा होता। और यहाँ पर भाई ये वाला बंदा भी अकेला ही होता, तो भाई इसकी मैंने पेटी बना दी। अब भाई पीछे की तरफ भाई मेरे टीममेट में 3 बंदे आ जाते हैं, तो भाई उनकी मैं पेटी बनाऊंगा। और ये बंदे भाई हमेशा भाई मेरे मैच में आते हैं और भाई S12 के लेके आते हैं भाई मेरी पेटी बनाने, तो भाई बारी 3 को निपटाने की, तो बस देखो कैसे मारता हूँ।
और यहाँ पर भाई इन तीनों की पेटी बना दी। तो भाई कैसा लगा क्लच भाई कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आया तो भाई लाइक जरूर करना। और भाई हमेशा भाई मेरी पेटी बनाते भाई स्टॉल के से, आज भाई मैंने बना दी भाई थॉमसन से। और भाई थॉमसन बहुत अच्छी गन होती है भाई क्लोज में, मतलब भाई कोई सी भी गन इसके आगे नहीं टिक सकती। तो भाई यहाँ पे बोट होता, अब इस वाले बोट की मैंने पेटी बना दी, लेकिन गाइस पीछे की तरफ और भी बोट होते हैं तो भाई इन्हें भी मार लेते हैं। अरे इनमें फाइट होगी, इनमें फाइट होगी। अब यहाँ पर भाई मैं आराम से बोट मार रहा था, भाई पीछे की तरफ और भी बंदे आ जाते हैं और इनके पास भाई S12 की होती है। तो भाई मैं पास में घुस जाता हूँ, तो देखो भाई मेरा क्या हाल करते हैं, भाई मेरे को जादू दिखाते हैं। जलवा है हमारा। और यहाँ पर भाई मैं S12 से नॉक हो जाता, तो भाई मेरा टीम मेट ही भाई इनको S12 से मारता। भाई S12 वाले प्लेयर को भाई S12 से ही मार सकते हैं, तो भाई इनके तो मेरे टीम मेट ने पेटी बना दी। तो यहाँ पे कुछ वोट आ जाते हैं तो भाई इनको मैं मार लेता हूँ। और बंदे तो वैसे बैठे लेवल 4 में, ये लेवल भाई। और आज गाइस तुम भी ऐसा सोच रहे होंगे ना भाई मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे, तो भाई मेरे को परमानेंट आउटफिट मिली थी, तो मैंने सोचा भाई गेम प्ले दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस इधर की तरफ आता हूँ और यहाँ पे बंदे होते हैं। अब यहाँ पर भाई मैंने इसके एक टीममेट को तो नॉक कर दिया और दूसरा टीममेट भाई पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। तो भाई मेरे पास होता भाई ग्रेनेड तो भाई मैं ग्रेनेड करता हूँ, और वो वाला बंदा भी भाई ग्रेनेड कर रहा था। तो बस कमाल देखो, तो गाइस यही था आज का गेम प्ले। अगर पसंद आए तो भाई लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलते हैं गाइस आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। और गाइस अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना।